बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। प्रेमचंद की लिखी बड़े भाई साहब का दूसरा भाग, क्योंकि हम इस कहानी को दो तीन भागों में आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरा भाग है, सचमुच में दोनों भाइयों के रिजल्ट का प्रतिफल और उसके बाद जो उनके बीच वार्तालाप हो रही है उसकी चर्चा है। अब देखिए, जो छोटा भाई खेलता था वो परीक्षा में अव्वल रहा, अपने दर्जे में, अपने वर्ग में उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी रही है, एक पर रहा। लेकिन जो उनके बड़े भाई थे वे परीक्षा में विफल रहे, जबकि वे काफ़ी मेहनत करते थे। और अब दोनों के बीच में जो 3 दर्जे की अंतर थी, अब 2 दर्जे की ही रह गई। और अपने इस उपलब्धि को देखकर छोटा भाई काफ़ी प्रसन्न हुआ, और साथ साथ उसके मन में ये खुरफात आई कि क्यों न मैं कहूं कि उनको कि आप इतने पढ़कर क्या किए आप। अब उसको आत्मसम्मान भी बढ़ी और वो उसके मन में आया कि सचमुच जो कहूं कि आप अपना खून पसीना जलाकर आपने क्या कर दिया, कौन सा तीर मार लिया। और बार बार इस तरह की बातें उसके मन में आती थी। लेकिन जो उनके बड़े भाई थे, जो काफ़ी मेहनत किए थे, वे इनके गतिविधियों को सचमुच में वे नज़रअंदाज नहीं बल्कि उसी तरह से उनको ऑब्जर्व करने का प्रयास किया। और उसके बाद जो उनकी गतिविधि में जो बदलाव आई थी, या हम कह सकते हैं किसी तरह का कोई अंतर न आया या कुछ और भी उसकी गंभीरता आ गई खेलने के प्रति, उसको देखकर उन्होंने कुछ बातें कही जो सचमुच में सुनने योग्य और मनन करने योग्य है। उन्होंने कहा कि सचमुच में तुमने परीक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त करके तुमने कोई तीर नहीं मार लिया, और सचमुच में अंग्रेज लोग तो इतने बड़े भूभाग के मालिक हैं या उस पर अपनी क्या शासन करते हैं, लेकिन तब भी वे चक्रवर्ती नहीं हैं। साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सा उदाहरण दिया कि सचमुच में जो लोग बहुत बड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका धरातल कहीं से खत्म हो जाता है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि तुम में जो अभिमान आ गया है, यह अभिमान अच्छी बात नहीं है। और उसी क्रम में रावण का भी उन्होंने दिया कि रावण को अभिमान हुआ था तो उसके अभिमान का भी खत्मा हो गया। इस तरह और भी उन्होंने उदाहरण दिया, शैतान का उदाहरण दिया, साहिरूम का उदाहरण दिया। और उन्होंने अंत में कहा कि खिलाड़ी वो नहीं है कि एक बार जीत गया, बल्कि खिलाड़ी वो है कि जिसका कोई भी निशाना खाली न जाए। अब इस तरह के उपदेशों को वो सुनता था और काफ़ी मन में उसे ग्लानि भी होती थी। फिर उन्होंने आगे कहा कि सचमुच में जब इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। और एक अगर 8वें हेनरी के जगह 7वें हेनरी लिख दिया तो तुम्हारा नंबर खत्म। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे गणित है कि जो तुमको काफ़ी रुलाएंगे। और अगर उसके कोणों की जगह अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो वो खत्म हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी अप्रत्यक्ष रूप से आघात किया कि अगर दाल भात रोटी कहते हैं और भात दाल रोटी कहते हैं तो इसमें अंतर कोई नहीं है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनके मन में यही बातें घुसी हुई है, इसलिए तुमको भी शिक्षक के अनुसार जो बातें हैं उसी तरह से तुमको तैयारी करनी है। और ये गणित के बारे में भी कहा कि एक रेखा अगर गिरती है यहाँ और उसका कोण बनता है, फिर उसका क्या नाम है, उसको कितने, तो ये सारी बातें जो है काफ़ी याद करना या समझना कष्टकारक है और तुम्हें अभिमान नहीं करना है। और सचमुच में अगर भाषा की बात किया जाए तो कभी कोई देता है लिखने के लिए कि आप 4 पन्नों में एक समय की पाबंदी पर निबंध लिखिए, तो क्या 4 पन्ने ही लिख सकता है? उसको तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि कम में भी लिखे, या उसकी इच्छा शक्ति पर कितना वो लिख सकता है उसकी कैपेसिटी पर दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि 4 पाना लिख दिया जाता है, फुल स्केप साइज लिख दिया जाता है, और अगर इससे कम हुआ तो आम का तुम दावेदार नहीं होगे। तो सचमुच में इस तरह के जो बंदिश है हमारे शिक्षा व्यवस्था में वो किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ होने के बाद मैं तुमसे ज़्यादा ना अनुभवी हूँ, उम्र में अंतर है और तुम इस तरह से अभिमान अपने में अभिमान मत लाओ, क्योंकि तुम को अभी और आगे काम करना है। और
सचमुच में वह तब वो सोचने लगा कि मैं तो अव्वल रहकर भी इतना कटाक्ष सह रहा हूँ, इससे तो अच्छा रहता कि मैं पास ही नहीं करता। और इन बातों को सुनकर और घबरा गया कि सचमुच में इतना कठिन पढ़ाई है। लेकिन सब होने के बाद भी वो अपने मन मस्तिष्क को उसी तरह से पहले की तरह से ही खेल में अधिक लगाने लगा, और साथ साथ उस पर कुछ दिन तो प्रयास किया, लेकिन कोई अलग अंतर नहीं आया। सचमुच मित्रों, अब आगे हम लोग देखें तीसरे भाग में कि अब इसके बाद जो परीक्षा हुई उसका क्या प्रतिफल मिला, और उस प्रतिफल के बाद दोनों भाइयों के बीच में किस तरह की वार्तालाप